अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 6 चैप्टर 6 मोर ऑन एक्सेल कंप्यूटर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरिंग अ फॉर्मूला। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला का यूज, किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो उसका क्या क्या था, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, किस तरह से उसका साइंस वगैरह के बारे में पढ़े, उसका साइन कैसा है, किस चीज में किस तरह से साइन यूज होता है वो पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लोग एक्सेल में किस तरह से इंटर कर सकते हैं, जैसे हम लोग सम्स बनाते हैं, फॉर्मूला इंटर कर फॉर्मूला डालते हैं तब सम्स बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग इसमें भी एक्सेल में भी फॉर्मूला किस तरह से डालेंगे, इंटर करेंगे और अपना सम्स को करेंगे। ठीक है, इंटरिंग अ फॉर्मूला। लेट अस नाउ लर्न हाउ फॉर्मूले आर इंटर्ड इन द एक्सेल वर्कशीट। हम लोग पढ़ेंगे अब कि फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय हिना इन द वर्कशीट शोन। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है हिना का है, यहाँ पे वो कितना रन स्कोर किए। सपोज हमको इसका टोटल कैलकुलेट, टोटल रन जो है जितना बनाई मैच 1 मैच 2 मैच 3 में वो जितना रन बनाई उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, टू डू दिस फॉलो द स्टेप्स गिवन। बोलो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, वो क्या है। क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द फॉर्मूला, दैट इज सेल E3। सपोज इसका ये तीनों मैच का हमको कैलकुलेट करना है कितना वो रन बनाई है। ठीक है, कितने स्कोर किए, तो हम लोग इसका जो लास्ट वाला जो सेल रहेगा उस पर हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सेल में पहले क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। नाउ द स्टेप 2 इज टाइप इक्वल टू फॉलोड बाय द एड्रेस ऑफ द सेल्स टू विच सेल्स विच आर टू बी एडेड, दैट इज एंटर B3 C3 D3। नोट दैट द फॉर्मूला इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। इसमें हम लोग को एंटर करने के लिए क्या, इसमें हम लोग को फॉर्मूला डालने के लिए क्या करना पड़ेगा। पिछला वीडियो में हम बताए थे कि किस फॉर्मूला में सम्स करने के लिए एक्सेल में इक्वल टू के बिना कोई भी सम्स नहीं होगा। सम्स शुरू करने से पहले हम लोग को इक्वल टू डालना जरूरी है, तो यहाँ पे पहले हम इक्वल टू डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेल्स जो है ये हम लोग सेलेक्ट करें, ऐसे सेल्स बी में बी और यहाँ का 3। ठीक है, रो में बी और कॉलम में 3, तो B3 इसको सेलेक्ट किए, फिर प्लस का एड दिए, फिर C3 इसको सेलेक्ट किए, फिर D3 इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट कर किए हम लोग। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जब हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर में मेरा जो फॉर्मूला बार है वहां पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग एट अ टाइम जब हम लोग यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फॉर्मूला बार में भी ये चीज आना जरूरी है। जो चीज यहाँ पे आएगा वो सेम चीज यहाँ पे भी आना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग तीनों सेल को सेलेक्ट कर लिए। नाउ प्रेस द इंटर की, उसके बाद हमको क्या करना है, इंटर की कीबोर्ड से दबाना है। द रिजल्ट अपीयर इन द सेल E3, तो इसका जो रिजल्ट जो आएगा वो E3 में आ जाएगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट शो करेगा। जिस तरह से देखो यहाँ पे कितना आ गया रिजल्ट इंटर करने के बाद, 211। तो हिना का टोटल स्कोर, रन स्कोर कितना हुआ, मैच 1 मैच 2 मैच 3 तीनों मिलाकर 211 स्कोर हुआ टोटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना फॉर्मूला पुटअप करके सम्स कर सकते हैं। नोट दैट वेन अ फॉर्मूला इज इंटर्ड इन द फॉर्मूला बार The following 3 buttons become visible on it. ये बहुत ज़रूरी, हम पहले ही बताएं कि ये बहुत ज़रूरी, जब हम लोग फॉर्मूला बार में एंटर कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे शो करना, यहाँ पे ये दिखना बहुत ज़रूरी है। Each of this button has specific function as the described below. हर एक बटन का यहाँ पे कुछ बटन शो करेगा, जिसका हर एक बटन का स्पेसिफिक एक फंक्शन है जो यहाँ पे दिया, जैसे है ये है कैंसिल, इट इज यूज टू कैंसिल द फॉर्मूला। ये कैंसिल बटन यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूला जब इंटर करेंगे, ये 3 बटन जो यहाँ दिया हुआ है, ये तीनों बटन का हर एक सिग्निफिकेंस है, हर एक बटन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मतलब है। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे जो एक क्रॉस कट साइन है इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला कैंसिल करने का है, फॉर्मूला को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। एंटर, यहाँ पे एंटर का जो
टिक दिया हुआ, ये इंटर का है। इट इज यूज टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये किस चीज के लिए यूज में आता है? फॉर्मूला का रिजल्ट बताने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे एफ और एक्स जो दिया हुआ है, ये क्या करता है? इट प्रमोट्स यू टू सेलेक्ट द फंक्शन फ्रॉम इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। ये क्या करता है? जो फंक्शंस जो हम लोग कर रहे हैं वो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स से इसको काम में लाता है, ठीक है, प्रमोट करता है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉपिंग अ फॉर्मूला। हम लोग एक फॉर्मूला को किस तरह से कॉपी करके दूसरा सम्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। Once you have entered a formula in a worksheet, you can use it by any number of times by copying it. एक बार हम लोग फॉर्मूला जो एड कर देंगे, एक बार जब हम लोग फॉर्मूला जो है वर्कशीट में एड कर देंगे तो उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको इजिली कभी भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर स्कोर्ड बाय हिना, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट टोटल रन स्कोर्ड बाय अदर प्लेयर, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। जिस तरह से हम लोग हिना का जो टोटल स्कोर जो है उसका कैलकुलेट किए, उसी तरह से हमको दूसरा प्लेयर का भी टोटल रन स्कोर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या करेंगे? कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ जिसको हम लोग फॉलोअप करेंगे, ओके। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द सेल फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला इज टू बी कॉपीड। इन आवर केस क्लिक द सेल E3। पहले हम लोग क्या करेंगे? उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला, जहाँ से हमको फॉर्मूला कॉपी करना, जहाँ पे मेरा आंसर है, ठीक है। जैसे सपोज देखो यहाँ पे मेरा आंसर है, तो इस सेल पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। हमारे केस में क्या है? E3 में है, तो E3 हम सेलेक्ट करेंगे। ऑन द होम टैब क्लिक कॉपी बटन प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। होम टैब में कॉपी बटन है, उसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी बटन है, उस पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से बटन का ये आइकॉन है, इस तरह से आइकॉन है, उसमें हम लोग कॉपी कर सकते हैं। और राइट क्लिक ऑन द सेल एंड क्लिक कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू डेट अपियर्स। तो राइट जहाँ पे हम सेल पे जब क्लिक करेंगे तो एक राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक कॉपी ऑप्शन आएगा, तो उस कॉपी ऑप्शन को क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू जो अपेयर आएगा उसमें कॉपी ऑप्शन आएगा, उस कॉपी ऑप्शन से हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अ मूविंग लाइन मार्क यू अपेयर अराउंड द सेल। इस तरह से मूविंग लाइन जो है, ये जो डॉटेड लाइन जो है ये मूव करता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। नाउ क्लिक द सेल वेयर द फॉर्मूला इज टू बी कॉपीड। फॉर एग्जाम्पल क्लिक द सेल E4। अब हम लोग क्या करेंगे? उस सेल पे फॉर्मूला क्लिक करेंगे जहां पे हमको ये फॉर्मूला को कॉपी करना है। जैसे मेरा नेक्स्ट है E4, रो में E और कॉलम में E और रो में 4, ठीक है। E4 में हमको क्लिक करना है। E4 में हम क्लिक करेंगे। ऑन द होम टैब क्लिक द पेस्ट बटन। होम टैब में पेस्ट बटन है, पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। प्रेजेंट द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब में पेस्ट बटन है, पेस्ट बटन में हम लोग क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन से शॉर्टकट मेन्यू से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेस्ट जब करेंगे तो इसका आंसर जो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट की मेरा कितना था? 30, 50, 66। तो ये मेरा ऑप्शन टोटल करके कितना है? 146 ये आ गया, ये फॉर्मूला मेरा कॉपी हो गया, ठीक है। द फॉर्मूला इज कॉपीड एंड द रिजल्ट दैट इज द टोटल स्कोर ऑफ राइना अपेयर्स ऑन द सेल 4। अब फॉर्मूला कॉपी होने के बाद क्या हुआ? राइना का जो टोटल स्कोर था वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली टोटल स्कोर ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ टीम कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिपीटिंग द सेम स्टेप। इसी तरह से हम लोग दूसरा जो प्लेयर जो है उसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो करके दूसरा का भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। नोट दैट द फॉर्मूला कॉपीड फॉर डिफरेंट सेल इज द सेम एक्सेप्ट दैट द फॉर्मूला इज इन E3 एड्स द एंट्रीज इन Row 3, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पे? नोट क्या दिया? फॉर्मूला जो हम लोग कॉपी डिफरेंट सेल में कॉपी किए हैं, ठीक है, E3 का जो एड किए एंट्रीज इन Row 3, Row 3 में जो हम लोग E3 का एड किए हैं, द फॉर्मूला इन Cell 4 एड्स द एंट्रीज इन द Row 4। जो हम लोग Cell 4 का जो एड करेंगे वो Row 4 में आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। Row 5 का Row 5 में आएगा, Row 6 का Row 6 में आएगा, E6 का E5 का Row 6 में आएगा, Row 5 में आएगा, और E6 का Row 6 में आएगा, ठीक है। इस तरह से जितना हम लोग सम्स, जितना हम लोग का कैलकुलेशन रहेगा उसी तरह से वो आएगा।
If you want to copy the same formula in multiple adjacent cell at once, select the desired range of cell after copying the formula and then paste the formula. अगर हमको same formula जो बहुत सारा cell में use करना, continue use करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही पूरा cell को हम लोग select कर लेंगे जहां तक हमको use करना same formula. एक ही फॉर्मूला को हम लोग को अगर बार बार यूज करना है तो जहां तक वो फॉर्मूला को हमको यूज करना है वहां तक हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे. फिर उसके बाद फॉर्मूला को वहां पे पेस्ट करेंगे. पेस्ट करने के बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल द कैलकुलेट ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ ईच प्लेयर यूजिंग अ फॉर्मूला फॉलो द स्टेप्स. एवरेज स्कोर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटर द फॉर्मूला E3/3. अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये एवरेज स्कोर इसका निकालना है तो E3/3 करेंगे इन सेल F3, यहाँ सेल F3 में करेंगे एंड प्रेस इंटर की. इंटर की करेंगे, कॉपी द फॉर्मूला इंटर इन द सेल F3. F3 में जो फॉर्मूला आया है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज सेलेक्ट द F4 थ्रू F6 एंड पेस्ट फॉर्मूला. तो इसका एवरेज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करना, हमको एवरेज करना है, डिवाइड करना. तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखे F4 में, उसको F6 तक हम लोग पेस्ट करेंगे. पेस्ट करने के बाद जितना अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से, देखो यहाँ पे दिया हुआ, अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से अलग अलग नंबर्स चेंज है, ठीक है. यू कैन ऑल्सो कॉपी द सेम फॉर्मूला टू द रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल बाय यूजिंग द फिल हैंडल. फॉर दिस कॉपी द स्टेप्स गिवन बिलो. हम लोग इसको सेम फॉर्मूला को वैसे ही कर सकते हैं, जिस अलग अलग सेल में अगर हमको डालना है तो उसको हम अलग अलग सेल में डाल सकते हैं बाय सेम फॉर्मूला क्लिकिंग द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला. सेल कंटेनिंग जो फॉर्मूला है उस पर क्लिक करेंगे जिसमें फॉर्मूला हम लोग पहले पुटअप किए, उस सेल पे क्लिक करेंगे. पोजिशन द माउस पॉइंट ओवर द फिल हैंडल. माउस पॉइंटर जो है फिल हैंडल की तरफ, वो जब तक आ नहीं जाएगा प्लस वाला साइन तब तक वहां पे हम लोग कर्सर को ठीक करेंगे. इट चेंज द प्लस साइन, वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन जो है, इस तरह का साइन जो है वो आ जाएगा. क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल ओवर द डिजायर रेंज. जहां तक हमको चाहिए ये फिल हैंडल का जो साइन को है हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे माउस को उस सेल तक जिस सेल तक हमको ये वाला चाहिए. रिलीज द माउस बटन, द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल. तो यहाँ पे ले जाके हम लोग माउस को छोड़ देंगे, तो रिलीज कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, जो फॉर्मूला जो अपेयर हुआ है उस हिसाब से अलग अलग मार्क्स के हिसाब से अलग अलग रेंज के हिसाब से टोटल के हिसाब से वो वहां पे आ जाएगा, शो करेगा, एवरेज शो करेगा उसका, ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही, जिस तरह से हमने समझाया है, अगर कंप्यूटर होता, कंप्यूटर क्लास होगा इंशाल्लाह आप लोगों का, प्रैक्टिकल होगा तो ये और भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही, किस तरह से फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं, ये सब हमारा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. एक ही चीज को हमको बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा, ये हम एक बार कॉपी करके पेस्ट करके पूरा प्रॉब्लम पूरा वर्कशीट का हम एक बार में कर सकते हैं, ठीक है. ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. सो नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ आप लोग को एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, आप लोग पेज इस वीडियो के साथ आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, पेज नंबर 82 में आप देखिए क्वेश्चन आंसर जो आपका है, हाउ विल यू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है. तो ये जो अभी हम पढ़ा है स्टेप्स, ये स्टेप्स को आपको इसमें लिखना है, किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को एक सेल से दूसरा सेल में कॉपी कर सकते हैं. बस ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस असाइनमेंट के साथ करना है. इस वीडियो के साथ एक ही असाइनमेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आप लोगों को करना है, ओके. इस वीडियो में इतना ही, आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, ओके. अल्लाह हाफिज़.